वेलकम बैक स्टूडेंट वी कंप्लीट द होल चैप्टर सेकेंड ऑफ जोग्राफी क्लास ग्लोब एंड टूडे वी डिस्कस देयर क्वेश्चन एंड एंसर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एम सी क्यू द क्वेश्चन इज दे लाइन विच डिवाइड द ग्लोब इंटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड ग्लोब को दो भाग में बांटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बांटने वाला जो लाइन होगा दैट इज कॉल्ड इक्वेटर ओके साइज़ ऑफ द पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीज एज वी गो टुआर्ड्स द पोल टुआर्ड्स दी अवे फ्रॉम द पोल टुआर्ड्स ईस्ट टुआर्ड्स वेस्ट टुआर्ड्स ईस्ट तो ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा तीसरा द बेल्ट ऑन द अर्थ that lies between the equator and the two tropics is called torrid zone ye hum log discussion kiye hue the torrid zone how much times does the earth take to complete one rotation 24 hour, 24 hour फोर आवर में एक कम्प्लीट रोटेशन करता है अर्थ अब देखिए यहाँ पे जम्बल्ड वर्ल्ड में आपका ऑप्शन दिया हुआ है और उससे आपको जो है वो बनाना है क्वेश्चंस तो देखिए क्वेश्चंस क्या है पहला है कि इज द लाइन व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट तो इसमें हम देखेंगे कि इसका आंसर तो आप लोग को मालूम है इक्वेटर होगा तो कौन सा ऐसा है जो इक्वेटर हो जाएगा उसको आप ढूंढिए और उसको बनाइए देखिए ये तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेटर सेकेंड देखिए दी जोन रिसीव्स डायरेक्ट रे ऑफ द सन थ्रू द ईयर कौन सा ऐसा जोन है जो डायरेक्ट सन रे को रिसीव करता है तो टोरिड यहाँ तो ढूंढेंगे उसको अरेंज करेंगे टोरिड ऑल आर इक्वल लेंथ तो लेंथ में इक्वल कौन होगा लॉन्गिट्यूड्स होगा ठीक देखिए द लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज आल्सो नोन एज इंटर इंटरनेशनल डेट यहाँ से आप अगर इसको बनाइएगा तो ये इंटरनेशनल और ये डेट ठीक है इंटरनेशनल डेट लाइन द टाइम ऑन द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द टाइम एडोप्टेड बाय इंटायर कंट्री आप जानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो बाय द दर कंट्री स्टैंडर्ड टाइम एक समान टेम्परेट जोन्स लाइज बिटवीन ट्वेंटी थर्ड हाफ एंड सिक्सटी सिक्स हाफ डिग्री इन बोथ हेमी एस्फेयर नॉर्थ हर्न हेमीस्फियर एज वेल एज साउथ हर्न हेमीस्फेयर ओके अब हम लोग आते हैं किसमें तो अब आते हैं कि ट्रू और फॉल्स में स्टेट टूदर दॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अब इसकी बात कीजिए द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ सेटेलाइट देखिए ये तो मॉडल ऑफ अर्थ है तो ये क्या हो जाएगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा प्राइम मेडिडियन इज नंबर्ड ट्वेंटी थर्ड हाफ साउथ फॉल्स है लेटिट्यूड आर 180 डिग्री एट्टी ऑफ वेरिंग लेंथ तो ये क्या होगा होगा नहीं होगा लेटिट्यूड आर 180 हंड्रेड एट्टी पैरल वेन इट इज नून इन इंडिया इट इज फाइव थर्टी ए एम इन यू के बिल्कुल ट्रू होगा क्योंकि हम लोग जो हैं वो फाइव साढ़े पाँच घंटा करीब करीब आ इंडिया जो है वो साढ़े पांच घंटा आगे है आगे है तभी ना यहाँ पे आपका साढ़े बारह हो रहा है और अमेरिका में साढ़े पांच हो रहा है ठीक चलिए अब देखिए आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इसका जवाब आप एक से दो लाइन में देखिए व्हाट इज लोकल टाइम अब देखिए लोकल टाइम होता है जिसका हमने डिस्कशन किया था कि हर एक कंट्री का अलग अलग ये टाइम होगा उसके बारे में देखिए लोकल टाइम ये ये व्हाट इज लोकल टाइम ये क्वेश्चन है आपका क्या बोलेंगे द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज दैट टाइम वैन दी सनशाइन डायरेक्टली ओवर हेड ऑन दाइन ऑफ दी लॉन्गिट्यूड लोकल टाइम जो होगा वो हर एक कंट्री का अलग अलग होगा इसको आप बात को रखिए जहाँ पे सुबह होगा उस हिसाब से टाइम अपना मैनेज होगा लोकल टाइम व्हाट इज ग्रीड अब देखिए ग्लोब में ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जाता है उसी को ग्रीड बोलते हैं क्रॉसवाइज दी ग्लोब हैज़ लाइन्स ड्राॅइन ऑन इट्स सरफेस स्विच फ्रॉम ए क्रॉस क्रिस क्रॉस पैटर्न इज कॉल्ड ग्रीड व्हाट इज ग्लोब इसके बारे में क्या बोलते हैं ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ दे आर ऑफ हेरिंग साइज मॉडल जो होता है वो अलग अलग साइज में होता है छोटा होता है बड़ा होता है व्हाट इज दंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ कितना लॉन्गिट्यूड्स होगा अर्थ पे तो आप क्या लिखिएगा द नंबर ऑफ दी लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ इज थ्री सिक्सटी ऑफ लॉन्ट्यूड्स 180 इन ईस्ट एंड 180 इन वेस्ट तो 360 हो गया टोटल अब देखिए डिफाइन इंटरनेशनल डेट लाइन तो अदर हाफ ऑफ द लाइन इज दन 180 एट्टी लॉन्गिट्यूड्स एंड इट इज नेम्ड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है देखिए

डिफाइन दर्म स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम क्या है और उसकी जरूरत क्यों होती है दोकेशन टाइम ऑन द मेडिडियन इज एडॉप्टेड ए दाइन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री देखिए द लोकल टाइम एलॉन्ग दी एटीटूड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स विच इज फॉर्म ऑल ओवर द इंडिया जो कहाँ से मिर्जापुर इलाहाबाद से पास होता है बते। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है तो टू अवॉइड द कंफ्यूजन फॉर डिफरेंट टाइम इन द सेम कंट्री स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि समय जो है वो एक रहे सभी जगह ऐसा नहीं अलग अलग इसीलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं उसके बाद है कि हाउ आर लैटीट्यूड्स डिफर फ्रॉम लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड क्या होगा एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पोल नॉर्थ टू साउथ ऑफ़ द इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड्स क्या हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा इक्वेटर के समान तो ये हुआ इसके बाद आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन ओके थैंक यू